नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल वीक को। बताना चाहेंगे वेतन वृद्धि के साथ पीएफ में बढ़ेगा अंशदान। जो अपडेट निकल के आ रही है, जागरण के हवाले निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस से ज़्यादा पेंशन पाने के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को नए नियम के मुताबिक नौकरी से पहले यानी 1999 से 2000 में कर्मचारी के पीएफ खाते में उनका अपना अंशदान 14,400 रुपये का होगा, जबकि नियोक्ता के इतने ही योगदान से 8.33% के हिसाब से लगभग 1,000 रुपये ईपीएस खाते में और बाकी करीबन 13,400 रुपये पीएफ खाते में जाएंगे। इस तरह से पहले वर्ष में पीएफ की कुल जो है 27,800 रुपये था, ईपीएस के खाते में करीब 1,000 रुपये जमा होंगे। अगले सालों में हर वर्ष जैसे जैसे वेतन वृद्धि होगा, पीएफ में अंशदान भी बढ़ेगा, उसमें से ईपीएस के लिए कटौती की राशि भी बढ़ेगी। इस तरह से 20 वर्षों में ईपीएस में पीएफ के मुकाबले अतिरिक्त जो है अंशदान 4,00,000 रुपये का होगा। चूंकि ईपीएफ में सालाना ब्याज भी जुड़ता है, लिहाजा कुल अतिरिक्त अंशदान जो है 8.1 लाख रुपये का बैठेगा। इसका अर्थ है, ये अर्थ हुआ कि कुल इतनी रकम कर्मचारी के पीएफ खाते में हो जाएगी। इसके बावजूद आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि किसी भी बचत स्कीम में इस पैसे को लगाकर आप वार्षिक रिटर्न जो है 11 से 12% हासिल नहीं कर सकता है, जितना ईपीएस में पेंशन के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये एक अपडेट निकल के आते हैं दोस्तों, अब जागरण के हवाले जो कि मैंने आपको शेयर किया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे कोई भी अपडेट निकल के आता है, सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आप सबके वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।